नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्री जयंत मलैया के बैलेंस्ड बजट की। जी हां, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने कृषि, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, सिंहस्थ, महिलाओं और विकास को पूरी जगह दी और हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। हालांकि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया कि वो राजस्व बढ़ाने और घाटा कम करने के लिए भी जरूरी कदम उठा रहे हैं। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में 1,58,000 करोड़ का बजट पेश किया। मध्य प्रदेश सरकार का साल 2016-17 के लिए बजट घाटा 118 करोड़ रुपए रहा। पेट्रोल डीजल की बात करें तो इस पर टैक्स फिक्स करने के बाद सरकार ने कुछ लग्जरी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि जरूरत की वस्तुओं पर कर का बोझ नहीं बढ़ाया गया, जो आम जनता के लिए सुकून की बात है। पर्यटन के लिए 251 करोड़ के प्रावधान किए गए। पिछड़े वर्ग, बेरोजगारी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया। उच्च शिक्षा के लिए 616 करोड़। बजट भोपाली हम आपको बता रहे हैं, मलैया का बैलेंस बजट। शिक्षा के लिए भी अच्छा खासा प्रावधान हुआ। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,995 करोड़ का प्रावधान हुआ। मेट्रो प्रोजेक्ट 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के लिए। 2024 में नर्मदा, जिस तरीके से नर्मदा को लेकर भी प्रावधान किया गया, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खासी धनराशि इस बजट में दी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 251 करोड़ का प्रावधान। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते रहे कि उनका यह विजन है कि मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में भी नंबर 1 पर ले जाना है। उच्च शिक्षा पर भी सरकार बढ़ावा दे रही है। अगर गरीब छात्र है तो उसको विदेश में भी पढ़ना है तो उसको सरकार मदद की बात करती है, और उसमें 616 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो 1,58,000 करोड़ का ये कुल बजट है। 2016-17 की बात करें तो बजट का जो घाटा 118 करोड़ है, लेकिन जो तमाम जानकार हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि जब 1,58,000 करोड़ का बजट है तो 118 करोड़ का जो घाटा है वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छा खासा यहां पर आवंटन हुआ है। बुनियादी जो ढांचे में विस्तार है, जो सुधार है, उसको लेकर भी जयंत मलैया का जो पटपिटारा है वो बेहद बैलेंस्ड इस बजट में नजर आता है। सिंहस्थ के लिए 298 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समतावन परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण, पुनरुत्थान एवं क्षमता वृद्धि के कार्य पूर्ण किए गए हैं। छिंदवाड़ा जिले में 5 बृहद परियोजना, टीकमगढ़ जिले में 5 सुजारा बृहद परियोजना, राजगढ़ जिले में मोहनपुरा बृहद परियोजना का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है। कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान अधोसंरचना के विस्तार हेतु राज्य शासन ने विगत 10 वर्षों में 2 नए कृषि महाविद्यालय स्थापित किए हैं। आगामी वर्ष में पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद में नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है। तो कृषि के लिए 2,448 करोड़ का बजट है। कृषि यंत्रों को कर मुक्त कर दिया गया और सस्ते भी हुए यंत्र। राष्ट्रीय कृषि मंडी की बात करें तो राज्य की 50 मंडियां ऑनलाइन जुड़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, इससे किसानों को अच्छा खासा फायदा होगा। फसल हानि के विरुद्ध 4,300 करोड़ से अधिक के बीमा के दावे। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है उन्हें भी सस्ता किया गया है। किसानों के लिए तोहफे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फसल हानि के विरुद्ध 4,300 करोड़ से अधिक बीमा के दावे हुए। कृषि के लिए 2,448 करोड़ का ये बजट है। होशंगाबाद जिले के पवारखेड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना। तो ये तमाम चीजें हैं, ये जो तमाम घोषणाएं आपको बता रहे हैं, ये सीधे तौर से जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको फायदा देने जा रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ तोहफे वित्त मंत्री के पिटारे से निकले हैं। 7 ITI स्थापित किए जाएंगे। 168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके आगे बढ़े तो उच्च शिक्षा के लिए 616 करोड़ का प्रावधान है वित्त मंत्री की तरफ से। माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 495 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा धार में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए 13 करोड़ का प्रावधान और ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, शहडोल में विश्वविद्यालय और कॉलेज को 143 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो फिर चाहे माध्यमिक शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तकनीकी शिक्षा की बात करें या कौशल विकास की बात करें, इसके लिए भी वित्त मंत्री के पिटारे से काफी कुछ निकला है।
और चलिए अब उस अंक की बात करते हैं जिसका इंतजार सभी को था। ये बताते हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या कुछ सस्ता हुआ है। तो सस्ते की लिस्ट देखिए, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड सस्ते हुए हैं, किसानों को सीधे तौर से फायदा होगा। जैविक खाद जो है वो सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में क्या कुछ सस्ता हुआ इस बजट के बाद, तो जो कृषि यंत्र हैं वो भी सस्ते हुए हैं, उन पर भी कर मुक्त करते उनको सस्ता किया गया है, और उनको जो सस्ते होने का रास्ता था वो साफ हुआ है। कृषि यंत्रों को कर मुक्त कर दिया गया है जिससे वो और भी सस्ते हो जाएंगे। इसके आगे बढ़े तो बैटरी चलित कार भी सस्ती हो गई। मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो ग्रीन एनर्जी की बात की जाती है, उस दिशा में भी कदम सरकार ने उठाया है, वो बैटरी चलित कार सस्ती हो जाएगी। बैटरी चलित रिक्शा भी सस्ता होगा, इसका बड़े स्तर पर प्रयोग बढ़ रहा है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए बैटरी चलित जो रिक्शा है इसके दाम में भी कमी देखने को मिलेगी। डायलिसिस मशीन सस्ती हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अब इलाज की जो महंगे खर्चे थे उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। सोया मिल्क सस्ता हो जाएगा। जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर सरकार सजग है उसके मद्देनजर ये एक अहम घोषणा है। नए मल्टीप्लेक्स को मनोरंजन कर से मुक्ति दी जाएगी। जिस तरीके से ये मांग उठती रही है कि मनोरंजन को बेहतर साधन मध्य प्रदेश मिले उसके मद्देनजर ये घोषणा भी काफी अहम है। एलईडी टीवी सस्ते हो जाएंगे। एक तरफ आपको एक सस्ता मनोरंजन मिल पाएगा जो गैजेट से वो खरीदने में आपको आसानी होगी, तो वहीं बिजली बचेगी। स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे। सरकार ये कोशिश की जा रही है कि जो छात्र हैं उनको स्मार्टफोन दिए भी जाएं, और इस दिशा में डिजिटल इंडिया के मद्देनजर ये घोषणा अहम है। अब महंगा क्या क्या हुआ, 10,000 से ज्यादा की कीमत की साइकिल है तो उसके लिए आपको अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ग्लास मिरर महंगा हो जाएगा, इसमें भी सरकार ने टैक्स बढ़ाया है। गैस गीजर महंगा हो जाएगा, इसके दाम में भी बढ़ोतरी होगी। और महंगाई की अगली लिस्ट में जमीन खरीदना महंगा होगा, स्टाम्प शुल्क बढ़ जाएगा। ये थोड़ी सी मुश्किल वाली खबर है। तो मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री से लंच के दौरान खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आशुतोष ने, आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट पेश हो चुका है और इस समय हम वित्त मंत्री जयंत मलैया जी के घर पे मौजूद हैं। इस समय डाइनिंग टेबल पर हैं और साथ में हमारे साथ भाभी जी सुधा मलैया जी भी मौजूद हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। सर, काफी रिलैक्स अब महसूस कर रहे हैं, बजट पेश कर चुके हैं। निश्चित, आपसे बातचीत हुई थी, बजट जाहिर सी बात है आपके लिहाज से जो सबसे बेहतर हो सकता है आपने कोशिश की होगी, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी सेक्टर रहा जो आपको लगा कि आप कर सकते थे लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं फंड की कुछ कमी रही इसलिए लिहाज से आप उसका प्रावधान नहीं कर पाए? अगर आपके पास असीमित फंड हो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हर जगह सीमाएं होती हैं और इस समय तमाम दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी बहुत नीचे स्तर पर है, उसका असर हमारे देश पे भी पड़ा है और देश के हर प्रदेश के ऊपर उसका असर है। उसके असर कई होते हैं, हमारी राजस्व की आय कम हो जाती है, हमारी एक्टिविटीज़ और बहुत सी सीमित हो जाती हैं, जो हमें विकास के लिए धनराशि जुटाना है उसमें दिक्कत होती है क्योंकि निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश कम हो जाता है। इन परिस्थितियों में जो हमारे पास साधन उपलब्ध थे और जो साधन हम कहीं से जुटा सकते हैं, इन सबको मिलाकर इस समय जो हम बजट दे सकते थे वो बजट देने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर और दूसरा अधोसंरचना, ये दोनों पे हमारी प्रायोरिटी से हमने काम किया है। इसमें काफ़ी राशियां हमने
दी हैं। थाली में काफ़ी कुछ है, आम आदमी की तरह यहाँ पर तमाम जो है पापड़ भी हैं, दाल भी है और कढ़ी भी है और पनीर की सब्जी भी है। तो ये जो थाली जो सजी हुई है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी की भी जो थाली इसी तरह से सजी होगी इस बजट के बाद? मैं चाहता हूँ कि आम लोगों की थाली ऐसे ही सजे और इससे बेहतर सजे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट की तारीफ की है और इसे क्रांतिकारी बजट कहा है, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। वर्तमान परिस्थितियों में जब सारी दुनिया में रिसेशन का दौर है और अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, तब मध्य प्रदेश में हमारे वित्त मंत्री जी ने एक क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश अब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बजट वाले गिने चुने राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। बुद्धिमत्ता पूर्वक संसाधन जुटाए हैं, संसाधन बढ़ाए हैं और ये बजट विकास को तेज गति से पटरी पर दौड़ाने वाला बजट है। तो वित्त मंत्री जयंत मलैया के बजट पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया, जो निश्चय ही प्रदेश में पर्यटन को आगे ले जाएगा। तो वहीं पर उद्योग मंत्री यशोधर राजे सिंधिया मानती हैं कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का जो प्रावधान किया गया वो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ सोयाबीन इंडस्ट्री को मिले टैक्स छूट पर भी उन्होंने संतोष जाहिर किया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले ताकि मध्य प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से रोजगार बढ़े, और एक प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, वैसे भी देखा जाए तो अभी पूरे देश और विश्व के आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी समीक्षा बैठक में हमें कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं इस बार आपको ज़रूर पैसा दूंगा, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज हमें 2600 करोड़ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिल रहा है। पहले दफ़े हमें इतना सारा पैसा मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, तो इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। और सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा आज जो टैक्स रिबेट मिला है वो बहुत बढ़िया है। तो एक तरफ सरकार के मंत्री बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे, तो वहीं कांग्रेस नेता मुकेश नायक का कहना है कि बजट सोया हुआ प्रतीत होता है, पुरानी योजनाओं को पूरा नहीं किया गया, जबकि नई योजनाओं के लिए कर्ज मांगने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। ये बजट उधार के वैभव पर आधारित है, यथास्थितवादी है और सोया हुआ है। पुरानी योजनाओं को ही पूरा करने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, भौतिक लक्ष्य और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के नाम पर फिर से कर्जे की मांग की है इस बजट में, जबकि 1,71,000 करोड़ का कर्जा पहले ही से इनके। तो वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज बजट पेश किया और इस बजट में महिलाओं के लिए वित्त मंत्री ने कई तरह के ऐलान किए हैं। इस बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 903 करोड़ का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना से 21 लाख लड़कियों को लाभ अब तक मिल चुका है और अब सरकार ने ई लाडली योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा और इसके साथ ही साथ महिलाओं को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ई शक्ति नाम से नई योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कानूनी सहायता के लिए ऊषा किरण केंद्र खोले जाएंगे। इस सेंटर में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की तर्ज पर सेवा दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कन्याओं को उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 20 नए कन्या शिक्षा परिसर खोले जाएंगे और इसके अलावा 120 हायर सेकेंडरी स्कूल भी खोलेंगे, जहां पर लड़कियों को भी फायदा होगा। कन्याओं को उपयुक्त एवं सहज शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से न्यून साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों में वर्ष 2016-17 में भी नवीन कन्या शिक्षा परिसर खोले जाएंगे। संस्थाओं को भवन की सुविधा देने हेतु वर्ष 2016-17 में 40 कन्या शिक्षा परिसर, 5 क्रीड़ा परिसर, 40 बालक और कन्या छात्रावास, 40 बालक और कन्या आश्रम के भवन निर्माण प्रस्तावित हैं।
मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री जयंत मलैया की पत्नी सुधा मलैया ने कहा कि बजट बेहद अच्छा है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया। सुधा मलैया से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आशुतोष ने। इस घर की गृहिणी हैं और वर्किंग वीमेन भी हैं, आप बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों में से हैं, तो उनसे बात करेंगे। आप किस तरह से इस बजट को देखें? मैंने अभी बताया कि बजट बहुत अच्छा है, सर्वसमावेशी बजट है, सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा गया है, रोजगारोन्मुखी बजट है, सामाजिक न्याय का पक्षधर बजट है, उद्योगों का बढ़ावा देने वाला बजट है, शिक्षा में वृद्धि करने वाला बजट है, स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखने वाला बजट है, महिला के लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं उन आंगनवाड़ियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है उसका बजट है, तो महिला सशक्तिकरण का बजट है। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा बजट है, कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए तमाम जो बेहतर बजट हो सकता है उस बजट को करने के यहाँ पर दावे किए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश की जनता इस बजट को किस तरह से लेती है। हालांकि कई ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ों को सस्ता भी किया गया है, लेकिन जिस एक लुभावन बजट की उम्मीद यहाँ पर जनता कर रही थी उस तरह का बजट फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, सरकार के लिए ये राहत वाली बात ज़रूर है कि यहाँ पर विपक्ष कुछ खास कटाक्ष नहीं कर पा रहा है।